फ्रेंड्स, मैं विकास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बेफिक्री। एंड सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों ने हम लोगों को बहुत अच्छा सपोर्ट किया जिससे हमारा चैनल अच्छा ग्रो कर रहा है। और अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और जो आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज आप लोगों ने काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स लिखे थे और कि यूरोप का कोई ऐसी कंट्री जो आप अफोर्ड कर पाए। एंड ये जो कंट्री है इसके बारे में बताने वाला हूँ, इसका नाम है अंडोरा। और ये यूरोप की कंट्री है जो वीज़ा फ्री है, जहाँ पर आप बिना कोई वीज़ा के जा सकते हैं। मतलब यूरोप की कंट्री और जो वीज़ा फ्री आप जा सकते हैं, इस कंट्री की कोई वीज़ा पॉलिसी नहीं है। तो ये जो कंट्री है ये बहुत ही छोटी कंट्री है जिसका नाम है अंडोरा। ये जो कंट्री है ये फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर पड़ती है। जो ये कंट्री का साइज़ है ये ऑलमोस्ट 465 किलोमीटर्स की रेंज में ये कंट्री है। और इस कंट्री में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है, इसीलिए आप लोगों को या तो फ्रांस या स्पेन से आपको एंट्री लेनी पड़ेगी। कि यहाँ पर कोई एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन भी नहीं है, तो आपको यहाँ पहुँचने के लिए बस लेनी पड़ेगी या फिर कार। बिकॉज ये जो कंट्री है काफ़ी अच्छी वेल कनेक्टेड है फ्रांस और स्पेन से। आप आराम से बस लेके या फिर कार लेके, रेंटा कार लेके आराम से पहुंच सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। अंडोरा को गरीबों का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ टैक्स फ्री कंट्री। सो वहाँ पर जो होटल्स है और सब कुछ लिविंग है वो काफ़ी सस्ता है बिकॉज आपको काफ़ी सस्ते होटल्स मिल जाएंगे। और ये जो अंडोरा है, जो कंट्री है, ये काफ़ी हाइट पर है, ये माउंटेन पर है। सो वहाँ पर काफ़ी सारा आपको अच्छी ब्यूटी सीनरी मिलेगी। और अंडोरा इज़ फेमस फॉर देयर स्की रिजॉर्ट्स, इसीलिए विंटर्स में वहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आते हैं और समर्स के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है। सो अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। होटल भी काफ़ी सस्ते हैं, रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी सस्ते हैं और वहाँ पर काफ़ी सारे मॉल्स हैं और काफ़ी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आपको सस्ते दामों पर मिल जाएंगे बिकॉज दिस कंट्री इज़ टैक्स फ्री एंड देर इज़ नो वीज़ा पॉलिसी। तो कोई भी वहाँ पर जा सकता है। सो ये उस चीज़ की एडवांटेज है। और जो अंडोरा कंट्री है ये यूरोपियन यूनियन में नहीं आती, बट यहाँ पर यूरो यूज़ होता है। सो जब भी आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप यूरो यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आने के लिए आपको या तो आप एंटर कर सकते हैं फ्रांस से या फिर स्पेन से। बेस्ट पार्ट यह है कि इट इज़ नॉट टू मच एक्सपेंसिव, तो आप अपना ट्रिप अच्छा खासा प्लान कर सकते हैं, 6-7 दिन यहाँ स्पेंड कर सकते हैं। छोटी सिटी है, काफ़ी अच्छे यहाँ पर सीनरिक ब्यूटी भी है। आप यहाँ पे माउंटेंस पे आप आराम से रह सकते हैं, स्विमिंग पूल्स है, स्पाज है, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर करने के लिए। सो आप अपनी फैमिली के साथ 7-8 दिन का अच्छा सा पैकेज प्लान कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं यूरोप का ट्रैवल करना, सो आप अपनी आइटिनरी में प्लीज़ इंक्लूड कर सकते हैं एंडोरा बिकॉज यहाँ पर कोई वीज़ा नहीं है, यहाँ पर जाके आप इंजॉय कर सकते हैं और ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, टैक्स फ्री है। सो दिस कैन बी अ वन ऑफ द कंट्री जहाँ पर आप जा सकते हैं और स्विट्जरलैंड जैसे मज़े ले सकते हैं एंड अ वेरी बजट प्राइस। सो डोंट गाइज, डोंट मिस दिस वीडियो और इसको वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। और अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर करके बताएं कि वो एंडोरा जा सकते हैं, वीज़ा फ्री नेशन है और उनके लिए अच्छा रहेगा, ये काफ़ी बजट ट्रिप भी रहने वाला है। और अगर आपका कोई कमेंट है इस वीडियो से रिलेटेड, अंडोरा से रिलेटेड, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। आप हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए बेनिफिट है। और अगर आप हमारे वीडियो में आना चाहते हैं तो आप मोस्ट वेलकम, आप हमें कमेंट कीजिए, डेफिनेटली हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आप वीडियो में हमारे आ सकते हैं। सो गाइज, अब मैं वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो पर।